हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से बताने जा रहा हूं। और ये मैं बता दूं कि जो भी मैं क्वेश्चंस दूंगा उसमें से 30-40% क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में टैकल करेगा ही करेगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक होंगे मैं वहाँ पर भी जो उस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होगा जो हम लोगों के स्कूल में डिस्कस होगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चंस देना चाहिए, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दूंगा आप लोगों के एग्जाम से पहले। मैं आप लोगों को सिर्फ 3 टाइप का क्वेश्चन ही करना है, मीन, मीडियन, मोड। लेकिन ज़्यादातर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में मीन और मीडियन से ही क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मोड से बाय चांस आ जाता है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में मीन, मीडियन, मोड से जितने टाइप्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं सारा का सारा क्वेश्चंस इस वीडियो में दे दिया हूँ। बस आप लोगों को इस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग एज्यूम्ड मीन मैथड। और यहाँ पर हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है और साथ ही साथ हमारा फ्रिक्वेंसी भी दिया हुआ है सारे क्लास इंटरवल का, और ये हमारा आंसर है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मीन, मीडियन, मोड इतना इजी चैप्टर है कि इसमें आप लोग 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट को डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा ना, इस चैप्टर को आप अच्छे से करके जाइए, आप 100% बोर्ड एग्ज़ाम में 110% आप पास हो जाओगे। इस चैप्टर को करिए, प्रोबेबिलिटी चैप्टर को करिए, और भी मैं कुछ चैप्टर्स बता दूंगा जिसे आप लोगों को अगर प्रैक्टिस कर लिए ना तो हाँ आप लोग पास 100% हो जाओगे। ये मैं सिर्फ वीक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कि ये चैप्टर, और जो तेज हैं उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ़ द मोड ऑफ सम डाटा इज 7 एंड देयर मीन इज ऑल्सो 7 देन देयर मीडियन इज। पहले के वीडियो में हम लोगों ने मीन निकालने के लिए देखा, इस वीडियो में हम लोग मीडियन देख रहे हैं। तो ये हमारा कुछ सबसे हट के क्वेश्चन है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 110% आप लिख लीजिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये अगर पूछ दिया गया तो आप लोग बस इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। आप लोग बस इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी हम लोगों को मीन निकालना है, क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दे दिया गया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए बोला गया है। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों को मेथड दे दिया गया, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, तो आप लोग को उन मेथड से ही बनाना होगा। यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया है डायरेक्ट मेथड, जो काफ़ी ईजी सा मेथड होता है। तो ये हमारा चार्ट है और ये हमारा आंसर्स है, तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द गिवन ऑफ द डाटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि मीन पूछा गया है, मोड तो पूछा गया है लेकिन मीन जरूर पूछा गया है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि मीन जो है अक्सर पूछा जाता है। तो ये हम लोगों का सॉल्यूशन है, ये हमारा मीन है और ये हमारा मोड है। तो आप इस टाइप का जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। और यहाँ पे हम लोगों को क्लास इंटरवल दे दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 तक, और टोटल फ्रीक्वेंसी सबका भी और फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों को दे दिया गया है 8, 16, 36, 34, 6 and 100। तो और ये रहा हम लोगों का स्क्रीन पे सॉल्यूशन। तो आप इस टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पे हम लोगों को मीडियन निकालने के लिए बोला जा रहा है। हाँ, आप लोग फॉर्मूला जो है उसे ज़रूर लर्न कर लें, क्योंकि वही आप लोगों को काफ़ी हेल्प कर सकता है। विदाउट फॉर्मूला आप लोग ना के बराबर हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप लोग फॉर्मूला ज़रूर याद कर लें। क्वेश्चन 6 है हमारा, फाइंड द मॉडलेज ऑफ 100 रेजिडेंट ऑफ अ कॉलोनी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे हम लोगों को मोड निकालना है, और ये रहा हम लोगों का स्क्रीन पे सॉल्यूशन। तो हम लोग इस टाइप का भी क्वेश्चंस को कर लें, ये हमारा मोड से क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीन एंड द मीडियन फ्रॉम द सेम डाटा।
आर 24 और 26 रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ मूड इज़। तो यहाँ पे हम लोग को मीन और मीडियन दे दिया गया है। तो इससे पहले के भी क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था मोड और मीन दिया गया था, मीडियन निकालना था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को मोड निकालना है, मोड निकालना है, मीन और मीडियन दे दिया गया। तो हम लोगों का ये हमारा फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये क्वेश्चंस अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 45। इफ़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 20, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई इज। तो ये हमारा, तो यहाँ पे हम लोगों को एफ आई एक्स आई का जो वैल्यू है वो निकालना है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशंस को देखें तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, 900। क्वेश्चन नंबर 9, द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 60 kg, द मीन वेट ऑफ बॉयज इज 70 kg एंड डैट ऑफ गर्ल इज 55 kg, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही है। हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी देखा कि इस टाइप का क्वेश्चंस एक पूछ दिया गया था, और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चंस हम लोगों को पूछा जा रहा है, जहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन फॉर्म करके आंसर्स लाना है। तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप लोग का थोड़ा सा लक खराब रहा तो इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये हमारा क्लास इंटरवल दे दिया गया है, और इस क्लास इंटरवल की हेल्प से हम लोगों को मोड निकालना है। तो मोड, तो अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो मोड का फॉर्मूला यहाँ पे अच्छे से दिया गया है। तो ये मोड का जो फॉर्मूला है आप इसे अच्छे से याद कर लें, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसे सॉल्व करने में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 एंड एक्स प्लस 8 इज 11, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो ये हमारा क्वेश्चन था, और ये हमारा रहा सॉल्यूशन। इसका अगर मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा, आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। ये भी थोड़ा हटके क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ लेस देन ऑजाइव फॉर द गिवन डाटा। क्लास इंटरवल यहाँ पे हम लोगों को दे दिया गया है, 10 to 20 से स्टार्ट होके 50 to 60 पे एंड हो रहा है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों को दे दिया गया है 2, 4, 7, 6, 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन है लेस देन का, और ये हमारा ऑजाइव का टेबल है, ग्राफ है, चार्ट है, जो भी आप बोले वो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोगों को दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 45, 35, 20, 15, 25 एंड 40। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को मीन निकालना है, हम लोगों को डाटा दे दिया गया है। तो ये तो काफ़ी इजी है, सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय कर देंगे कितना, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 से। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सबको ऐड कर दिया, उसका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, हमारा मीन निकल गया 30। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एज लेस देन टाइप। तो लेस देन का इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा है, तो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेस देन टाइप सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को दे दिया गया है। यहाँ पे क्लास इंटरवल दे दिया गया है, 0 to 10 स्टार्ट होकर 70 to 80 तक खत्म हो गया, और साथ ही साथ हम लोगों को फ्रीक्वेंसी भी दे दिया गया है। तो ये हम लोग अच्छे से, और ये तो हम लोगों का सॉल्यूशन ये रहा। अब इस टाइप का जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना था, बस आप लोगों को क्या करना था, सिर्फ चार्ट बना देना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कन्वर्ट द फॉलोइंग डाटा टू अ लेस देन टाइप। यहाँ भी हम लोगों को लेस देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और एक ऑजाइव भी बनाना है, और यहाँ पे हम लोग को मीडियन फाइंड करना है। तो ये हमारा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और ये हमारा सॉल्यूशन रहा। आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अच्छे से। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई 110% जरूर दूंगा। जैसे भी हो मैं आप लोगों का हेल्प जरूर करूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवेन द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मीडियन पूछा जा रहा है फिर से, और यहाँ पे हम लोग को क्लास इंटरवल भी दे दिया गया है, सी आई भी दे दिया गया है, और
नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी भी दे दिया गया है और हम लोगों को मीडियन निकालना है। और मीडियन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एच। क्वेश्चन नंबर 17, द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज। यहाँ पे फिर से क्लास इंटरवल दे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी भी दे दिया गया है और हम लोगों को यहाँ पे मोड निकालना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है मोड का। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। यहाँ पे भी हम लोग का क्लास इंटरवल दे दिया गया है, 3 to 6 से स्टार्ट होकर 21 to 24 तक दे दिया गया है, जिसके साथ साथ आप लोग को फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है और मोड निकालना है। तो आप लोग ये देखिए कि आप लोगों को किस टाइप का क्वेश्चंस दिया गया है और हर एक क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो बस अगर आप लोग फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिए और थोड़े से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिए ना इस टाइप का, तो आप लोग 110% अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और यही मेरा मकसद भी है कि ये मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इन टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। नहीं पता कितने सारे स्टूडेंट मेरे वीडियोस को देख भी रहे होंगे फुल या नहीं, वो मेरे को पता भी नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चंस देख रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द मीन ऑफ 30 नंबर गिवन, मीन ऑफ द 10 ऑफ दैम इज 12 एंड द मीन ऑफ रिमेनिंग इज 20 इज 9। तो यहाँ पे भी हम लोगों को मीन निकालना है और ये हमारा स्क्रीन पे सॉल्यूशन रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ये जो क्वेश्चन है हम लोगों का एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है। फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ करेक्ट, ये हमारा 4 ऑप्शन है। तो अगर हम लोग इसका सॉल्यूशंस को देखते हैं तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा क्लास इंटरवल लेस देन 20 और यहाँ लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90 एंड लेस देन 100। और यहाँ पे हम लोगों का सी एफ भी दे दिया गया है, 0, 4, 16, 30, 46, 66, 82, 92 एंड 100। तो ये हमारे यहाँ पे हम लोगों को मीडियन निकालना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा, आप इसे प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये हमारा मीन निकालना है जहाँ पे हम लोगों को जो एक फ्रीक्वेंसी है ना F, उसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे F जो है वो हम लोगों को नहीं दिया गया है। तो अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखें तो ये रहा हम लोगों का सॉल्यूशन स्क्रीन पे। आप इसे जरूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर ले, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 24, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। डेली वेजेस रुपीज़ में दिया गया है, 20 to 40 से स्टार्ट होके 140 to 160 तक दिया गया है और नंबर ऑफ वर्कर्स भी यानी कि फ्रीक्वेंसी भी दे दिया गया है। तो हम लोगों को इसका लेस देन टाइप का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो बनाना है, एक ओएसआई बनाना है और उसका मीडियन भी फाउंड आउट करना है। तो ये हमारा लेंथी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 110%। आप इस टाइप का क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर ले, वेजेस जिसमें आप लोगों को निकालना है और हर एक का जो सॉल्यूशन है आप लोगों को 99.9% जो है ना सेम टाइप का निकलेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो हम लोगों का सेम है। तो ये रहा हम लोग का ओजाइव और ये रहा हम लोगों का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे भी हम लोगों को क्लास इंटरवल दे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है और हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 26, इफ द मीडियन क्लास इज 30 to 40 द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 20 द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिसीडिंग क्लास इज 15 द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 50 फाइंड द मीडियन। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आ सकता है तो एमसीक्यू में, लेकिन इसका अगर सॉल्यूशन देखिए तो हम लोग को इतना लंबा सॉल्यूशन करके हम लोग को आंसर निकालना होगा। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, इसमें हम लोगों को सारा चीज़ अच्छे से दे दिया गया है, बस हम लोग को फॉर्मूला पे बैठा देना है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 और इसका फ्रीक्वेंसी भी दे दिया गया है, 15, 18, 16, 5 and 6। और ये हमारा सॉल्यूशन है मोड निकालने के लिए और ये मोड का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को आप अच्छे से ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कंस्ट्रक्ट अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा
क्वेश्चंस है, और ये बस यहाँ पे काफ़ी इजी है, बस हम लोग को टेबल ड्रॉ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे भी हम लोगों को क्या निकालना है, मीडियन, क्वेश्चन नंबर 29 में। तो आप देख रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों को ज़्यादा अक्सर हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस टाइप का क्वेश्चंस को 110% ये मेक श्योर कर लें, अपने दिमाग में बैठा लें कि इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों को करना है तो करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द मीन ऑफ द सिक्स नंबर इज 16 विद द रिमूवल ऑफ अ नंबर, द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज 17, द नंबर रिमूव्ड इज। अब इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर रिमूव कर दिए कि हम लोगों का मीन 17 निकल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन, तो ये रहा हम लोगों का स्क्रीन पे सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे भी हम लोगों को मीन निकालना है, क्लास इंटरवल दे दिया गया है और फ्रीक्वेंसी भी दे दिया गया है, और ये हम लोगों का सॉल्यूशंस भी दे दिया गया है। अब मैं आप लोगों को कुछ अलग, कुछ हटके जो क्वेश्चंस है ना वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 से। यहाँ पे भी अगर आप इस चार्ट को देख रहे होंगे ना, तो हमारा यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए दे दिया गया है, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना उसे आप जरूर प्रैक्टिस कर ले, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो क्वेश्चन है उसे। ये हमारे स्क्रीन पे सॉल्यूशन है, चार्ट बना दिया गया है, टेबल अच्छे से बना दिया गया है और इसका सॉल्यूशंस भी दे दिया गया है। तो आप इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप इसे अच्छे से फॉलो जरूर कर लें। यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी को पी से डिनोट किया गया है, हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। आप इस टाइप का जो क्वेश्चन है अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 40 भी हम लोगों का मिसिंग फ्रीक्वेंसी से है, तो हम लोग ये अच्छे से देख लीजिए। मैं आप लोगों को अब क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों का जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें लगभग अब सेम क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टाइप का जो क्वेश्चन है अच्छे से देख लीजिएगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आप लोगों के लिए अभी भी बता रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो भी हम लोगों का मिसिंग फ्रीक्वेंसी से ही पूछा गया है, और ये हम लोगों का स्क्रीन पे सॉल्यूशन है, आप इसे अच्छे से जरूर कर लें। ये काफ़ी लेंदी है और मार्क्स 110% अगर कर लिए तो आप लोगों को मार्क्स 110% मिल जाएगा। ये हार्ड नहीं है, बस लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 41 भी लगभग इस टाइप का है, लेकिन इसे करने की ज़रूरत आप लोगों को ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 43 इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट शेयर करना न भूलें। थैंक यू।